यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ आ गए हैं। कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर भी तो मंदिर जाए मौलवी कोयल गाएगी। केशव जी उसी विचारधारा के हैं। बहुत सारी योजनाओं की भी आपने जिक्र किया, जनता उसको लगता है आपको काफी समर्थन तौर से जनता ही चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, हम लोग तो केवल दिखाने के। भीड़ अच्छी आई? भीड़ तो अच्छी आती है, सब कमल खिलाने की तैयारी में है। शेखुपुर में जनसभा समाप्त करने के बाद केशव जी एक मंदिर में पहुंचे हैं। ये कादर चौक इलाके का ये हनुमान मंदिर है, यहाँ उन्होंने मत्था टेका है और उसके बाद अब भगवान से आशीर्वाद मांगा कि उनके प्रत्याशी को जिताएं, बीजेपी को जिताने के लिए वो प्रदेश में लगातार निकले हुए हैं। केशव जी यहाँ पर शेखुपुर में धर्मेंद्र साग जो बीजेपी के विधायक हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। केशव जी चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा मौका कम मिलता होगा, ये आपको भी सूट करता है, अच्छी जगह मिल गई आपको। देखिए मैं कहा करता हूँ, एक भजन है कि करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और देते हैं बार बार दर्शन मेरा सौभाग्य हो रहा है। क्योंकि ये इस बहाना है, मेरा सभा करके भागना था, मेरा नूरपुर फिर मुझे सहारनपुर जाना है, लेकिन सौभाग्य देखिए, भगवान की कृपा देखिए कि मुझे दर्शन भी मिल गया और सबके साथ एक सुकून से कुछ देर बाद भी हो गई। मंदिर तो वैसे भी कहा जाता है कि काफ़ी बीजेपी को पसंद है, मंदिर वोट भी दिलाता है और ऊर्जा भी देता है। नहीं, ऊर्जा देता है, वोट दिलाने का भ्रम है विरोधियों में, लेकिन अगर मंदिर के कारण से वोट मिलता है तो श्री अखिलेश यादव जी के लिए अभी एक मंदिर बनवाना बाकी। तो केशव जी जो है ये लगातार सियासत में वो बीजेपी के लिए हर जतन कर रहे हैं, वो मौका पाते ही मंदिर में मत्था भी टेकते हैं, आशीर्वाद भी मांगते हैं, अपने प्रत्याशियों के जिताने की अपील करते हैं, विपक्ष पर हमले भी करते हैं। अब हम बदायूं से चलेंगे अगली जनसभा की ओर जो नूरपुर में है, बिजनौर में, और फिर वहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसे केशव जी जनता से वोट मांगने की अपील करते हैं। देखो जल्दी करो यार, कोई काम लगाओ, जल्दी कैसे बदायूं की जनसभा समाप्त हो गई है, मंदिर का दर्शन भी हो गया है। केशव जी चुनाव तो अच्छा आपका चल रहा है, लेकिन एक जो बात आती है जो विपक्ष के नेता जिस पर अपनी मजबूती दिखाते हैं कि उनके साथ आपके कुछ साथी आपको छोड़कर चले गए, आप उनको एकजुट नहीं रख पाए, ओबीसी वोट उनके साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। खाली डिब्बा चला गया है, पूरा सब कुछ हमारे पास है। जाने वालों के कारण से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ा है, मैं समझता हूँ एक वोट का असर नहीं पड़ा है। और आप देखिएगा जब 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, जो भाजपा को छोड़ करके गए बहुत पछताएंगे और वो विधानसभा में भी वापस नहीं आ पाएंगे। और जो मंत्री गए हैं, मैं मंत्री हों चाहे वो विधायक हों, और जो भी मैं कह रहा हूँ बीजेपी छोड़ करके गए हैं, वह समाजवादी पार्टी की साइकिल तो पहले ही पंचर है, गलत सवारी पर सवार हो गए, जो नाव डूबने वाली थी उसमें बैठेंगे तो डूबेंगे। एक सवाल कल अखिलेश यादव ने बहुत उछाला कि 4 मर्डर वाले को जमानत और भैंस चोरी वाले को जमानत नहीं, 2 साल से जेल। पहले उन्नाव की उस बेटी के बारे में बताएं जिसकी माँ तड़पते हुए रोते हुए बिलखते हुए उनकी गाड़ी के सामने गई थी और बाद में वो समाजवादी पार्टी के नेता के आश्रम कहिए, उसका खेत कहिए, उसकी बाउंड्री कहिए, उसमें उस बेटी की लाश मिलती है। तो क्या यही नई सपा है जो गुंडागर्दी करती है, जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनकी हत्याएँ करती है? सर ये अखिलेश यादव जी ये बतावें, बाकी जो न्यायालय के मामले हैं वो सरकार का काम नहीं है। न्यायालय क्या निर्णय देता है क्या नहीं देता है, अगर शाहरुख खान के बेटे जेल चले जाएं और न्यायालय जमानत दे दे तो वो सही है, अगर किसी और को जमानत मिल गई तो वो गलत है, भाजपा से क्या लेना देना इससे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, दूसरे चरण का मतदान थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं और थोड़ी देर में प्रचार समाप्त हो जाएगा 5 बजे। 55 सीटें हैं इस फेज में, बीजेपी पिछली बार अच्छा जीती थी, पुराना इतिहास दोहरा पाएंगे? निश्चित हम पूरे प्रदेश में दोहरा रहे हैं, जब हम 300 पार की बात करते हैं तो 2017-2022 में दोहराने की बात करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही थी,
आप तो आज मेरे साथ आए, समय नहीं, नहीं मैं कहता आप 6 सीटों में केवल बनाई चले जाइए। समाजवादी पार्टी वाले इसे अपनी राजधानी समझते थे, यहाँ उनका खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा गारंटी नहीं। महान दल भी उनके साथ यहाँ कुछ कोई दल में दलदल हो गया है, उसमें कमल खिल रहा है सब। तो ये केशव जी बड़ा आश्वस्त है और लगातार वो विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ओगढ़ में है, लेकिन वो मानते हैं कि इन 6 सीटों पर फिर से कमल खिलेगा बदायूं में। बहरहाल हम अब चलते हैं नूरपुर की ओर और हम अब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है और वहाँ पर केशव जी एक नई जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में हमारा हेलीकॉप्टर बिजनौर में लैंड करेगा, उससे पहले हम इस हेलीकॉप्टर में केशव जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। केशव जी, ये आरोप लगाती है भाजपा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लिए इस बार, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम किसी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दे रहे हैं, बीजेपी में हमसे ज़्यादा परिवार। देखिए, कहना और करना इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं विकासवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगावादी नहीं दंगा रोकने वाली पार्टी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पार्टी है। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा निराशा बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी है। भाजपा में किसी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा होगा, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वही अगर सरकार बने या ना बने तो पार्टी अगर रहेगी तो अध्यक्ष वही होगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री वही होगा, केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री वही होगा। ये भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में संगठन में कोई पद मिल सकता है, विधानसभा लोकसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन वो योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर। और किसी परिवार का किसी बड़े नेता का बेटा है इसके आधार पर भाजपा में स्थान नहीं मिलता। एक सवाल ये आता है बार बार कि जनता पूछती है कि सब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बुलडोजर खाली उनके नेताओं पर चलाया जा रहा है, बीजेपी में जो लोग हैं अपराधी हैं उनको ना तो पकड़ते हैं ना बुलडोजर। नहीं, जो अपराधी है वो केवल अपराधी है, अगर समाजवादी पार्टी में अपराधी ही अपराधी हैं तो बुलडोजर कहाँ जाएगा? बुलडोजर तो अपराधियों के भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की गई दुकानों को गिराने के लिए जाएगा, इमारतों को गिराने के लिए जाएगा। 10 मार्च तक जब तक चुनाव चल रहा है निश्चित तौर से भी बुलडोजर चलना बंद है, लेकिन 10 मार्च के बाद फिर भाजपा की सरकार शपथ लेगी। और इस प्रकार के जिन जो भूमाफिया बचे हैं अभी बहुत बड़ी संख्या में, अभी तो मगरमच्छ पकड़े हैं, अभी इतने छोटे छोटे गाँव में इनके गुंडे अपराधी भूमाफिया बैठे हैं, उनसे भी जमीनें खाली कराना है, उसके लिए बुलडोजर और जेसीबी तैयार है। 10 मार्च के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि 24 करोड़ प्रदेशवासी सही तरीके से परिश्रम करें, पसीना बहाएं, कमाएं और आगे बढ़ें। सरकार पूरी मदद करेगी, लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि हम बम और बंदूक के बल पर, तमंचे और कारतूस के बल पर, गुंडों और अपराधियों के बल पर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जमीन कब्जा कर लेंगे, मकान कब्जा कर लेंगे, अपहरण का उद्योग चलाएंगे, ट्रांसफर का उद्योग चलाएंगे, तो ये बीजेपी के कमल के फूल खिलने के बाद ना हुआ है ना कभी होने पाएगा। इसीलिए साइकिल पंचर थी, इसीलिए साइकिल पंचर हो गई है। ये कहते हैं कि जो लोग सपा में या विपक्ष में है तब तो वो गुंडा दिखते हैं, लेकिन भाजपा में जाके पवित्र हो जाते हैं। नहीं, भाजपा में कोई पवित्र नहीं हो जाता, गुंडा अपराधी होता है, लेकिन भाजपा में अगर कोई आया है तो अपराधी को हम नहीं लेते हैं। बहुत सारे अपराधी लाइन में लगे थे, लेकिन अपराधियों को भाजपा ने स्थान नहीं दिया, उनको पार्टी में शामिल नहीं किया है, अपराधियों की जगह समाजवादी पार्टी में है। एक रास्ता बचा था, अभी अपराधी है तो समाजवादी है, अपराधी है तो बहुजन समाज पार्टी का है, अपराधी है तो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन आने वाले समय में अपराध ही नहीं करने का मौका मिलेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी का सूपड़ा ही सदा के लिए साफ हो जाएगा, क्योंकि अपराधी नहीं रहेंगे, गुंडे नहीं रहेंगे, माफिया नहीं रहेंगे तो सपा ही नहीं रहेगी। लेकिन अखिलेश ने तो अपने चाचा को अपने साथ मिला लिया। देखिए, अपने चाचा को मिला लें चाहे बुआ को मिला लें, उनको 2019 में हम चाचा, बुआ और उनके
दूसरे साथी आजकल श्री जयंत चौधरी जी भी घूम रहे हैं, पहले श्री राहुल गांधी जी घूम रहे थे, सबको मिलाने के बाद खिलेगा कमल का फूल। जयंत को तो आप लोगों ने न्योता दिया था, क्या अब भी वो न्योता बरकरार है? देखिए, हम कोई न्योता नहीं दिए, वह जानते हैं कि भाजपा की ताकत जनता की ताकत है, या चुनाव भाजपा का प्रत्याशी या भाजपा का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, इस चुनाव को उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाने के लिए लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आज जिनकी जयंती है चौधरी अजीत सिंह जी की, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन उनको भी हम मुजफ्फरनगर में जहाँ सपा बसपा कांग्रेस सबने समर्थन दिया था वहाँ पर उनको हम हरा चुके हैं। तो यह लोकदल भी जानता है, यह समाजवादी पार्टी भी जानती है, ये बसपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि भाजपा से चाहे जो रास्ता अपना लो टकराने में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, सारे दल विलय करके एक दल बना लें और सीधे मुकाबले में आ जाएं, नाटक क्यों करते हैं? अच्छा, चुनाव बाद अगर कुछ जरूरत पड़ी तो क्या जयंत के लिए फिर न्योता खुला है? एक काल्पनिक सवाल, हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं तो जरूरत कहे की पड़ेगी? जो एक भी सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे भरोसा नहीं है। 2017 में एक विधायक जीता था लोकदल का, वह भी भाजपा में बाद में शामिल हो गए, तो उनके पास कुछ है ही नहीं है खोने के लिए। हमने तोड़ नहीं लिया, उनको लगा कि लोकदल पर लोकदल हो गया है, तो हम वहाँ जा करके क्या करेंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश में और कई सारे इशू हैं, जैसे महंगाई भी है, बेरोजगारी है, ये दो मुद्दे काफी उछलते हैं, काफी आंदोलन होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महंगाई के संकट से जूझने वाले गरीब को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध करा रहा है। छोटे छोटे किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में साल में 6 हजार रुपया उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तमाम संकटों के बाद रुकने नहीं पाई है। 500 रुपया प्रतिमाह प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों के खाते में सीधे भेजने का काम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के संकट से भी निपटे और लोगों के सामने महंगाई के कारण से समस्या ना खड़ी हो इसका ध्यान भी रख के, महंगाई है उसको कम भी भाजपा ही करेगी, ये सपा बसपा वाले तो लूट योजना के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये जो पर्चा लीक है, ये हर भर्ती में पर्चा लीक? भर्ती में पर्चा लीक करने वाला गैंग समाजवादी पार्टी के समय का है, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय का है। उनको एक एक करके कचरा साफ कर रहे हैं। 4.5 लाख भर्तियां बिना रिश्वत के हुई है। श्री अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोग भ्रष्टाचार आयोग बन गए थे, जाति आयोग बन गए थे। कुछ जिले के लोगों को नौकरी मिलती थी, बाकी रोते थे। मैं तो उनके साथ आंदोलन किया, मेरे खिलाफ भी बड़े मुकदमे लिखे गए थे। हमारी इच्छा है, हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रयास है कि ना पर्चा लीक हो, ना भ्रष्टाचार हो, प्रतिभाओं के साथ अनादर ना होने पाए। चुनाव यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ आ गए हैं। कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर भी तो मंदिर जाए मौलवी जी, उसी विचारधारा के हैं। बहुत सारी योजनाओं की भी आपने जिक्र किया, जनता उसको लगता है आपको काफी समर्थन तौर से, जनता ही चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, हम लोग तो केवल दिखाने के हैं। भीड़ अच्छी आई? भीड़ तो अच्छी आती है, सब कमल खिलाने की तैयारी में है।